मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ये गीत भला किसने नहीं सुना होगा, और जिसने भी इन गीतों को सुना तो ये गीत उनकी जुबान पर जरूर चढ़ गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गीतों को किसने लिखा था? भारत के नागरिकों में देशभक्ति का भाव भरने वाले और दोस्ती की अहमियत बताने वाले इन खूबसूरत गीतों को लिखने वाले गीतकार का नाम है गुलशन बावरा। गुलशन बावरा का असली नाम गुलशन मेहता था और इनकी पैदाइश 12 अप्रैल 1937 को अविभाजित भारत के लाहौर के पास शेखुपुरा में हुई थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी माँ विद्यावती एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जिनकी संगीत में काफी दिलचस्पी थी। नन्हा गुलशन अपनी माँ के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में जाया करता था जहाँ वो भजन कीर्तन में हिस्सा भी लेता था। शायद यहीं से उनके अंदर संगीत को लेकर एक खास एहसास और दीवानगी पैदा हुई। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने और उनके परिवार ने मुल्क के बंटवारे का दंश झेला। गुलशन बावरा ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और चाचा का दंगाइयों के हाथों कत्ल गारत होते देखा था। किसी तरह से उन्होंने और उनके भाई ने अपनी जान बचाई। देश के विभाजन के बाद वो अपनी बहन के पास जयपुर आ गए। जब दिल्ली में इनके भाई की नौकरी लग गई तो ये भाई के पास आकर रहने लगे और यहाँ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान वो शायरी करने लगे थे। गुलशन मेहता उर्फ गुलशन बावरा फिल्मों में काम करना चाहते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने 1955 में मुंबई में रेलवे क्लर्क के रूप में काम करना स्वीकार कर लिया। मुंबई में वो क्लर्क की नौकरी कर तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर का कलाकार उन्हें हमेशा शायरी और कविता लिखने को प्रेरित करता रहता था। नौकरी करने के साथ साथ वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम ढूंढते रहते थे। इन्हीं संघर्ष के दिनों में उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार कल्याण वीर जी शाह से हुई। कल्याण जी को जब उन्होंने अपनी कविता सुनाई तो उन्हें उनकी कविता बेहद पसंद आई और कल्याण जी ने गुलशन बावरा को फिल्म चंद्रसेना में गीत लिखने का मौका दिया। उनका पहला हिंदी फिल्म गीत मैं क्या जानू काहे लागे ये सावन मतवाला रे था, और इस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। हालांकि इस गीत को कुछ खास सफलता नहीं मिली। गुलशन बावरा को अगला मौका भी कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म सट्टा बाजार में मिला। इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 गीत लिखे थे। इस फिल्म के लिए पहले हसरत जयपुरी, इंदीवर और शैलेन से बात हो गई थी, लेकिन जब फिल्म वितरक और प्रोड्यूसर शांति भाई पटेल ने गुलशन बावरा के लिखे गीत सुने तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने गीतों को ज्यों के त्यों ही रखने के निर्देश दिए। उनका नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल गुलशन जब फिल्म वितरक और प्रोड्यूसर शांति भाई से मिले तो काफी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर शांति भाई ने उनसे कहा, ये तो बिल्कुल बावरा सा है। बस तभी से गुलशन मेहता गुलशन बावरा हो गए। गुलशन बावरा ने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में करीब 59 गीत लिखे, जबकि आरडी बर्मन के लिए करीब 150 गीत लिखे थे। उन्होंने फिल्म हाथ की सफाई 1974, त्रिमूर्ति 1974, रफू चक्कर 1975, कस्मे वादे 1978, सनम तेरी कसम 1982, अगर तुम न होते 1982, सत्ते पे सत्ता 1982, ये वादा रहा 1982 और पुकार 1983 जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। गुलशन बावरा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने गीत लिखने के साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। इनमें फिल्म उपकार, विश्वास, जंजीर, पवित्र पापी, अगर तुम ना होते, बेईमान, बीवी हो तो ऐसी फिल्में प्रमुख हैं। फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ उन्होंने फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए पार्श्व गायन भी किया। ये गीत था प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती के साथ गाना गाया था। गुलशन बावरा को उनके 39 साल के फिल्मी करियर में बतौर सर्वश्रेष्ठ गीतकार के तौर पर फिल्म उपकार 1967 में, जंजीर 1973 में, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी गीत लिखने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 7 साल तक बोर्ड ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के डायरेक्टर के पद पर भी काम किया। अपने गीत लेखन, अभिनय कौशल और आवाज से दर्शकों को मदहोश कर देने वाले गुलशन बावरा ने 7 अगस्त 2009 को आखिरी
सांस ली। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बॉडी को जे अस्पताल में शोध करने के लिए दान कर दिया गया था। उनकी आखिरी हिट फिल्म हकीकत थी। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी। उनकी आखिरी फिल्म जुल्मी थी, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। गुलशन बावरा के लिखे हुए गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। गुलशन बावरा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा।